अच्छा गाइस, ऐसा है कि आज हम रिव्यू करेंगे मास इफेक्ट 2। मैंने तो हजारों बार खेली, मेरी वन ऑफ द फेवरेट गेम है और उसे साइंस फिक्शन की टॉप 10 में से लगभग हर बार नंबर 1 की पोजीशन ही मिलती है। ऑल ओवर वर्ल्ड बेस्ट साइंस फिक्शन गेम है। तो आज मेरा फ्रेंड अमन तो इन्हें पहली बार दिखा रहे हैं। मास इफेक्ट 1 नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है। गेम स्टोरी अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा है ना, ओवर ही मिशन ऐसे हैं कि जैसे ना पता नहीं क्या। तो ये हम खेल रहे हैं कि जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है, जो एनिवर्सरी स्पेशल है, मतलब 4K कर दिया गेम्स को, है ना। तो मास इफेक्ट 2 है भाई, थोड़ा बहुत इन्हें स्टोरी बता दिया है और पूरी गैलेक्सी के जो एलियंस हैं, इंसान हैं, सबको मतलब एक खतरा आएगा जो गैलेक्सी के बाहर डार्क स्पेस से जो रीपर्स आते हैं और कैसे मतलब उनसे हम डील करते हैं, वो गेम है। ठीक है, तो आपका रिएक्शन है, बेसिकली इनका रिएक्शन है। तो ठीक है, स्टार्ट। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। क्या बोलते हैं, स्टेशन, वर्किंग स्टेशन पे हैं, गेम लोड हो रही है। सही है। अच्छा, ऐसा है कि मास इफेक्ट 1 में मैंने एक तो काउंसिल को एंड में बचाया था, ठीक है, उसके बाद मैंने एंडरसन को वो कर लिया था, सिलेक्ट किया था ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करने के लिए गैलेक्टिक लेवल पे। और दूसरी बात, रेक्स को मैंने मार दिया था क्योंकि मैं मास इफेक्ट 3 में क्या करता हूँ कि जो मॉडर्न सोलस है हमारा साइंटिस्ट, उसे बचाना होता है, लाइक मैं बचाता हूँ तो थोड़ा सा वो पोलिटिकल वो करना होता है। अगर रेक्स बच जाएगा तो फिर आगे जाके वो चीज़ नहीं होगी, तो इसलिए ज़रूरी है। और मैंने केडन को मतलब छोड़ दिया था वहाँ पे वर्मार पे, और जो एशली है उसे मतलब बचा लिया। तो ये अभी सेटअप है बेसिकली, और मेन शेपर्ड के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, मेरे तो सर से ऐसे गया। ये क्यों देख रहे, मूवी चल रही है क्या? ये मेन विलन का हेडक्वार्टर है। Commander Shepard uncovered the truth, but still it's not enough. ये ब्रैडा लॉसन। We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly. It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down!
Multiple hull breaches! Weapons offline! Somebody get that fire out! Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Shepard! Liara, go. Now. Aye, aye. स्पेस है तो जो हमारा हीरो मतलब खींचा क्यों नहीं गया है ना, तो इसलिए क्योंकि मैग बूट्स होते हैं, मैग्नेट वाले बूट्स, तो ये स्पेस में भी चल सकता है। इस सीन में ऐसा है, ऊपर देखो खाली सारा। चलो 4K करके कितना अच्छा होगा यार, पहले मतलब कैसा लगता था। चीयर्स, जो गेमिंग चेयर्स है वो हवा में लटक गए। से बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है यहाँ पे, खींच के ले जा भाई इसको। अरे पायलट है वो भाई, वीडियो मैं मजाक कर रहा हूँ। प्लैनेट पे गिर रहा है बंदा स्पेस से बिना किसी प्रोटेक्शन के, ऑक्सीजन भी खत्म हो गई। क्या सीन है भाई, बेस्ट ओपनिंग ना जो शॉट होते हैं ना किसी वीडियो गेम के, मास इफेक्ट को सेकंड को बहुत अच्छा माना जाता है यार।
Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. चेकअप चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, डिफॉल्ट जो है ना अपीयरेंस शेपर्ड की वो बहुत ही अच्छी है, हीरो टाइप है एकदम, तो मैं वही रखता हूँ। सोल्जर है इसमें, अभी भी कर सकते हो, अभी कोई क्या करना है इसमें, लाइक इंजीनियर चाहिए, कोई अडेप्ट करने वाले, मतलब अलग अलग ना पावर्स हैं, जैसे बायोटिक पावर्स होगी कुछ होगी, कि लाइक किसी चीज़ को हवा में उठा लिया या कुछ, मतलब दिमाग वाली कोई चीज़ या किसी चीज़ को उठा के अपने पास कर लिया, वो चीज़ भी, क्योंकि सारे मैकेनिक को बनाना है। हाँ वैसी चीज़, लेकिन मैं सोल्जर ही रखता हूँ, वही सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है ये कर देते हैं। अब यहाँ से गेम स्टार्ट हो रही है। मैं ऐसा है, जैसे मैं पहले ही बताया हूँ कि मिरांडा लॉसन ना दुनिया की सबसे खूबसूरत गेम की कैरेक्टर बनाई है, जितनी भी हीरोइंस हैं, चाहे फाइनल डेस्टिनेशन हो जाए या जेल्टा हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे खूबसूरत इसलिए नहीं कि वो फिजिकली खूबसूरत है, उसका ना माइंड, और वो एकदम एक स्ट्रॉन्ग वुमन कैसी होती है, आजकल के वोकल से मेरा कचरा नहीं, मतलब पहले थी लेडी टाइप। तो अभी ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे इसका इलाज हो रहा था तो वहाँ पे किसी ने अटैक कर दिया, कुछ हो गया है ना, तो वापस हम फिर एक्शन में, तो अभी भूलने की यहाँ पे अपना आर्मर और वो पहन लो। ब्लो करने वाले हैं, मुझे कवर कर, जाओ छुप जाओ, थोड़ा सा वो करना होगा ना टोटल। एक तो पावर ये होती है कि भी जिसमें हम लाइक मेडिजेल दे सकते हैं, कोई किसी प्लेयर को ज़्यादा चोट वोट लगी तो वो
टेम्परेली मर जाएगा, ठीक है, बेहोश हो जाएगा। तो आपने हमने एप्लीकेशन से मेडिजेल ऑन की तो उसकी बॉडी को पावर मिल जाएगी, वापस खड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक होती है कि भी जो जैसे इसमें कोई भी पावर हम चूज़ कर सकते हैं, एक पावर फ्री मिलती है। इसमें मैंने स्लैम कर लिया, स्लैम मेरी फेवरेट है। वो क्या करता है कि हमारे सामने वाले बंदे को ना जो भी विलन आ रहा है उसे थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ा देता है, एंटी ग्रेविटी कर देता है, तो उसका अटैक बंद हो जाता है, आप आराम से हील करके उसे वापस मार सकते हो। ऐसे कर करके मतलब अब वो दिखा रहा है अभी रोबोट से अटैक कर रहे हैं। कैसे देखो, स्लैम मारो, दौड़े हवा में हो गया आराम से, मतलब उसे मारो थोड़ी देर के लिए डिसमेंटल हो गया कि हाँ भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब लैब में जितने भी लोग हैं उनके रोबोट्स ने जो ड्रॉइड्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया है, ठीक है। अबे हैवी गन मिली जैसे ना, ब्रूटल का हिस्सा इसमें ज़्यादा क्या मिले, कहीं आग वाग लगी हो तो वहाँ से भाग के जाना, आराम से जाओगे तो आग से जल जाओगे, वो बोला ऐसा है। ऐसा कि अभी यहाँ पे जेकब आया, 8-10 लोग हैं ना हमारी टीम के, तो पहला टीम का मेंबर ये बनाया बाद में। अभी ऐसा है कि हमारा प्लेयर तो कर ही सकता है, बायोटिक यूज़ कर सकता है, पर जो हमारी टीम है ना एक टाइम पे दो टीम मेंबर मिलता है, उनके पास अलग अलग तरह की पावर्स हो सकती है, वो आप चूज़ करोगे क्या मतलब कौन से टीम मेंबर लेना है। अच्छा, अगर आप मारे हो 8-10 विलन आ गए तो आप सबको तो कर नहीं सकते, तो आप अपनी टीम को ऑर्डर दे सकते हो, या तू उस वाले को पकड़, तू उस वाले को पकड़, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे अगर मैंने ये कर लिया, ये मार्क आ गया, इसमें बायोटिक इसकी यूज़ कर ली, उसने भी वो उड़ा लिया उसे। इसमें ऐसा है कि राइट वाले जो ऑप्शन होते हैं ना उसमें गेम आगे प्रोग्रेस होती रहेगी, लेफ्ट वाले जो ऑप्शन है वो बातचीत करने वाले हैं कि अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है, वो जैसे इसमें कुछ ही पूछ सकते हैं कि कौन इंजरीज हुई थी इसे, उसके बारे में क्या पूछ सकता है ना, इसकी टीम कहाँ पर है, कुछ है वो सब चीज़ है। What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You have to ask the
यानी 206 हड्डियां के अलावा ज्यादा हड्डियां। What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant, but I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally, I don't fire my gun unless it's target practice. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we check. Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? Never mind, you need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. Let's get out of here. We can get into the service tunnels through this door. अभी क्या है कि जो शेपर्ड जब बेड पे था तो एक साइंटिस्ट साथ में होता ना विल्सन, तभी उसका कॉम पे आता है कि भाई मेरे को बचाओ, मैं रोबोट से गिरा हुआ। लेकिन उसकी आवाज़ से लगता है वो खुश नहीं है कि शेपर्ड हमारा हीरो जो है वो जिंदा है। तीन पड़ी है हमारे पास अभी तक, तो ये दबाया और तो ठीक हो जाएगा। फिर वापस हो रहा टीम फास्ट, इतनी फास्ट। हाउ गेम है, हाउ टेक्नोलॉजी, ब्रो फ्यूचर फ्यूचर। मेरे को चाहिए, जो गुंडों से लड़ूंगा अपने आप पे लगा लूंगा। Besides, I was shot. How do you explain that? I don't care who set up who. Those mechs are shooting at all of us. We'll sort it out later. We need to find Miranda first. We can't just leave her behind. देखा वो नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो गुस्से में बोला हमारा ये। The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead or she's a traitor. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few. We can overload the canisters to clear a path to the shuttle. अब अगर कोई flammable चीज पड़ी है ना, ये निशान आ जाएगा। अब वापस अपना लगाओ और अब इसे विल्सन को बोलूँगा कि इसका मतलब है कि मतलब ओवरफ्लो कर देना किसी पावर को, ओवरलोड कर देना। ये देखो लास्ट एक एंडियर रोबोट है कि वो भी है, मतलब ये फर्स्ट ही मिशन है ना, तो वो आपको बता रही है गेम में कैसे खेलना है। अब यहाँ पे जेकब बताता है कि हम एक्चुअली सर्वरस हैं। क्या है ना कि अलायंस जो हमारे हीरो वाले हैं, उन्होंने बोला हमारा हीरो जो था वो मर गया, उसकी याद में थोड़ी देर कर लिया होगा कुछ, फिर वो मर गया। लेकिन जो हमारा इस गेम का विलन है लूसिव मैन, वो क्या करता है, बोलता है कि उसे पता है कि इंसान बेवकूफ़ हैं जो मतलब एलियंस के साथ रहेंगे, हम बड़े अच्छे हैं, और इंसानों को वैसे ही तुच्छ देखा जाता है कि ये कीड़े मकोड़ों की तरह कॉकरोच की तरह आ गए। ऑब्वियसली इंसान एकदम से सारे प्लैनेट पर जाएंगे, एलियंस ऐसे ही देखेंगे। तो जो इलूसिव मैन है उसकी बैक स्टोरी बड़ी अच्छी है, वो लाइन्स का ही बंदा होता है लेकिन उसका दिमाग खराब हो जाता है एक टाइम पे कि भाई ये क्या है, ये हमें गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। तो अपनी अलग ही ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। तो वो क्या करता है, उसका फंडिंग भी आ जाती है, बहुत सारे ऐसे इंसान है जिसका जुड़े, मतलब रेबल टाइप को फीलिंग आ जाती है। मैंने उसकी सटक ली, उसकी अलग ही बन गई, सटक नहीं ली, बहुत दिमाग वाला बंदा है, उसी के चक्कर में सारी गेम चल रही है। उसका लॉजिक बुरा नहीं, अगर इस गेम में वो हमारे हीरो को नहीं बचाता तो खत्म हो गया था, मतलब हमारा गैलेक्सी पूरी खत्म हो गई थी।
तो वो ही बोला कि एक आइकन है, एक आइडिया है शेपर्ड, एक इंसान नहीं, एक सोल्जर है, तो इसे रीबिल्ड करो। 4 बिलियन क्रेडिट्स लगा दिए थे इसने इसे वापस जिंदा करने में। अभी बात होगी तो उसे बताएगा कि मैंने तेरे को क्यों किया है। तो हमारा हीरो ही बोले इतने में तो पूरी आर्मी खड़ी कर सकता था इतने पैसे में। बोलता तो मुझे आर्मी नहीं चाहिए, मुझे आइडिया चाहिए कि तू अकेला है जिसने एक रीपर को मार दिया, वरना रीपर से हमेशा गैलेक्सी की माई बहन की है। तो मतलब कितना दिमाग वाली चीज़ है कि विलन भी है तो कुछ सोच के वो कर रहा है। पर क्योंकि वही बात है ना कि गवर्नमेंट के खिलाफ करो तो आप टेररिस्ट हो गए, तो उसे भी टेररिस्ट मतलब बोल दिया। वो सही है गलत ऐसे पे करनी पड़ेगा। इसमें ऐसा है दो प्लेयर है ना कि वो जैसे आप उसको मार्किंग दे सकते हो कहाँ जाके खड़े हो कहाँ जाके और अगर आप कमांड नहीं देते हो अपनी पावर यूज करने का तो खुद भी कर लेंगे बीच में। अच्छा ऐसे की बात नहीं कि नहीं करेंगे, यानी उनके पास अपना भेजा है। हाँ इसका AI सिस्टम अच्छा है। ये सीन से ना भाई प्यार हो गया था ब्रेंडा में। वो मतलब समझ ही नहीं कुछ भी है, जो सही है वो सही है, माँ की है। अब वो बताती थी इसी ने मतलब ये सारा किया था इस गंजे ने। स्पेस कार में सेक्सी लगती है ना मेरे को यार। Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. ये चमक क्यों रहा है? ऐसा नहीं, जितना ज्यादा आप नेगेटिव रिप्लाई उसको करोगे ना उतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। एंड में वो आंखें भी लाल हो जाती है शब्द। आबादी मशीन भी है ना, लेकिन जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना ज्यादा मतलब फेस इसका ठीक होता रहेगा गेम के दौरान। अभी कुछ आंसर हमने नेगेटिव किया ना। Survived a Thresher maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I lost
स्पेस स्टेशन बनाए हैं यार। अच्छा इस गेम में ना आप आर्मर को हो गया कुछ हो गया उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें जो मतलब मेरे को बेस्ट लगती है एकदम डार्क करके। ये वाला ना मेरे को सबसे बढ़िया लगता है इसका आर्मर, कैजुअल अपीयरेंस में सबसे बढ़िया जैकेट कूल है ना। वैसा ना अपने शिप में ये कैजुअल भी उसमें रहता है ना ड्रेस में, तो कमांडर उसमें शिप में आ जाएगा। अब पहली बात हमारे हीरो की विलन से यहाँ पे होती है। दुखी हो गए थे तो उन्होंने क्या किया अलग अलग अपने स्पेसशिप में बैठे और पृथ्वी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे कई प्लैनेट्स पे चले गए जहाँ पे मतलब हमारा जो अलायंस है जो एलियन का जो स्पेस है उसके भी बाहर चले गए। तब क्या हो रहा है कि वो अलायंस जो है वो कुछ कर ही नहीं, वो बोले पृथ्वी और हम इंसान अपना अपना देखेंगे। तो ये वही बोला कि उन इंसानों की कोई परवाह नहीं कर रहा है और वो सिर्फ इंसान ही डिसअपीयर हो रहे हैं उस प्लैनेट के, और एलियंस हैं कुछ वो सब वहीं पर है। तो कुछ हो रहा है इंसानों के लिए और इंसान की जो गवर्नमेंट है वो कुछ कर नहीं रही है, इसलिए तेरे को वापस ले गए हैं, तो इन्वेस्टिगेट करो भाई क्या हो गया। मतलब लॉजिक ऐसे देगा विलन क्योंकि हमें भी लगेगा एज अ प्लेयर की यार सही बात है, ये बंदा सही है गवर्नमेंट गलत है। Nothing you say is going to convince me to trust you. I need more than words. I'd be disappointed if I could persuade you that easily. Go and see for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress. The latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. What do you think I'll find there? If I knew that, I wouldn't need to send you. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. शिप में भी किसी भी टाइम पे हम उनके पास किसी भी मेंबर के पास जाके बात कर सकते हैं और वो हमारे ऊपर है कि उनसे रिलेशन अच्छा करना है कि ख़राब करना है या उन्हें ऑर्डर्स में रखना है। और हर मिशन के बाद हम करेंगे तो स्टोरी आगे भी प्रोग्रेस होती रहेगी। और इस गेम में एक चीज़ अच्छी है, आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप कर सकते हो, चाहे वो लड़का है लड़की है एलियन है कुछ भी है। तो बाकी स्टोरी मतलब अगर आप तीन तीन कैरेक्टर के साथ फ्लर्ट करते हो, फ्लर्ट नहीं मतलब रिलेशन अच्छा करते हो, तो
फिर एंड में आपको चुनना होगा कि किसके साथ आप बेस्ट हो। okay. क्योंकि अगर एक, एक जैसे मिरांडा लॉसन मतलब ये तो मतलब मेरी फेवरेट है, तो मेरा तो इसके साथ चलता है। तो जो टैली है और मतलब बाकी एलियंस हैं उनके साथ भी अच्छा रिलेशन रखते हो, तो एंड में पता क्या बोलते हैं कि भाई मैं तेरे को लाइक करती हूँ, लेकिन तो पहले जाके मिरांडा को बोल के आया कि हम दोनों को करना है, तो इसलिए वो साइड हो जाएगी, तब मैं आऊँगी। बोला एक दोनों औरतों वाला रखा हो मुझे इतनी हंसी आती है बाकी। जब ये गेम लॉन्च हुई थी ना आई थिंक 2000s की बात है, फोर में शायद पहली आई थी, आई गेस 6 में पहली आई थी। तो इसमें ऐसा है कि भी आप एलियन के साथ भी आप कर सकते हो, तो एक कट सीन ऐसा ज़रूर आता है कि थोड़ा ना रोमांस हो रहा है, तो न्यूडिटी तो नहीं दिखाई है लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स कंसर्न हो गए कि ये क्या दिखा रहे हैं, कि आप गे सेक्स भी दिखा रहे हो या कि एलियंस के साथ दिखा रहे हो। बट जो मतलब मेच्योर लोग हैं वो समझ सकते हैं, वो हमारे हिसाब से गेम चलती है ना, इसीलिए गेम इतनी बढ़िया है। ऐसा नहीं कि ये मतलब वो नहीं है स्टोरी की भी एक के बाद दूसरा स्टेप आ जाएगा, आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, इंस्ट्रक्शंस नहीं है। हाँ, आप अपने हिसाब से मतलब थोड़ा अलाइव हो जाती है ना गेम ऐसे, क्योंकि आपका अपना दिमाग हो जाता है, फिर शेपर्ड शेपर्ड नहीं रहता, फिर आप बन जाते हो कि आपके हिसाब से चीज़ चल रही है। अच्छा ऐसा है, अब छोटा सा एक मिशन आएगा कि वो देखना क्या है, उसके बाद ना फिर ये शिप में आएंगे, तो शिप का पूरा इंट्रोडक्शन होगा, वहां तक का आज वीडियो रखेंगे, ठीक है? Our first priority is to look for Spock. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. ये कॉलोनी थी ह्यूमंस की, अब एक भी इंसान नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अगर लड़ाई भी हुई हो, कुछ हुआ हो और इंसानों को किसी ने मार भी दिया हो, तो कुछ दिखना चाहिए ना कि लाइक दीवार पे गोली के निशान है कुछ है। सब कुछ साफ है, बस इंसान ऐसा लग रहा है कि भी बैठे थे, खाना वाना खा रहे थे, सब कर रहे थे, एकदम से गायब हो गए, वैनिश्ड, खत्म ही हो गया, समझ नहीं आ रही क्या हो गया, वैनिश्ड इन थिन एयर। डिनर प्लेट्स वगैरह वहीं पड़ी, बस गायब हो गए सारे। सेटिंग इतनी सही है ना, मतलब लग रहा है कि एलियन प्लैनेट पे खड़ा है, पृथ्वी नहीं लग रही। बच्चा नहीं मिला दीवार नीचे हुई है बिना सिर वाले, पावर कम हो गई थी ना मरने वाला था, तो एड्रेनलिन रश ले लो, सब कुछ स्लो आया था थोड़ी देर में, फिर पावर बढ़ जाती है। डॉगीज होने चाहिए ना सब। अच्छा इस गेम में ना बीच बीच में क्या होगा कि ऐसी चीजें आएंगी जिसमें आप कह लो जैसे 2000 लेगा तो 2000 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। कैसे टाइम चलेगा उसके अंदर अंदर सर्किट भी होना है। कैसे ये ना तीन चार तरह के वो एक्ट मतलब बने हैं, जैसे ये बैटरी बनी है, ये बैटरी इन दोनों को जोड़ दो जुड़ गए, ये सी लिखा है कहीं पे, सी कहाँ पर लिखा है, सी और सी जोड़ दो, है ना, ऐसे हो गया टाइम खत्म होने से पहले, तो आपको उतने क्रेडिट मिल जाएंगे। क्रेडिट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है आगे जाके गेम में, आपको शिप को अपग्रेड करना है, कुछ करना है ना, या आपने अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है, बॉडी बायोटिक्स है मेरा कुछ, तो उसमें पैसे लगते हैं। अब यहाँ पे कोरियंस आएंगे, वो बहुत इंटेलिजेंट रेस है, आपको बताया था ना मैंने कि एक रेस है जिन्होंने रोबोट्स बनाए थे, मास इफेक्ट 1 की जो विलन थे गेथ, तो उन्होंने बनाए थे, उनका पूरा प्लैनेट ही उन्होंने मतलब मावैन कर दी, और बेचारे स्पेसशिप में रह रहे हैं सूट्स पहन के, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन में सांस नहीं ले पाता, तो वो वाले एलियन आएंगे। ये हीरोइन है हमारी, अगर हम चाहेंगे तो। I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons
अब 2 साल हो गए ना शेपर्ड मर गया तो उसके दोस्त भी बाहर आन होंगे देख देख के मैं ये जिंदा है अभी एक मामे का मुंडा कितना आ गया You pardon us for not thinking you at your worst, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his soot seal Duskrauers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza. You're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. ये क्या था ये ड्रोन्स हैं ड्रोन्स भी हैं ना गन्स वाले वो भी मारेंगे आपको अबे अबे कैसे मेरे को आदत हो गई ना इसलिए फटाफट हो जाता है थोड़े वो कैसे मिल जाते हैं फाइटिंग होनी जरूरी है ना गेम में वरना बंदा बोर हो जाएगा इसलिए हर थोड़ी देर में फाइटिंग हो रही है हालांकि मेरे को तो ऐसा स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगती है गेम में मुश्किल होगा यार हिंदी में कितना लगता ना ये सेम डायलॉग है ना इसी में इंडिया में ऐसी फिल्म बनती नहीं भाई सर वहाँ पे वो एलियन मिलेगा जो मतलब जिसे को सबूत पता है ये आखिरी एलियन बचा था इस प्लेनेट पे इन्हीं का No monsters.
don't think he can hear you, Commander. ये ओमनी टूल है, कुछ भी कर सकता है. अभी वो आइकन आया था ना, वो होते हैं पॉजिटिव वाले. पॉजिटिवली अगर किसी चीज़ को रोकना है, कुछ करना है, मुक्का मारना है. इधर वाले होते हैं रेड वाले, नेगेटिव, क्योंकि बंदा बात कर रहा है, जाके मुक्का मार दिए, हाँ चुप कर जा, मैं कैप्टन हूँ. वो चीज़ अब यहाँ पे पता लगेगा इस गेम के मेन विलन कौन है. अब कलेक्टर क्या है? पूरी गैलेक्सी है तो मास रिलेज है. सब जगह आपको बताया था कि जा सकता है. एक जगह एक सेक्शन है गैलेक्सी का सेंटर में, जहाँ पे मतलब कोई नहीं जाता है, क्योंकि ब्लैक होल्स है वहाँ पे, वो सब है. तो वहाँ पे एक, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, लेकिन एक कलेक्टर रेस है जो कभी कभी गैलेक्सी में कहीं भी आ जाती है. खूब सारे पैसे हैं, कुछ देती है, कुछ सामान लेती है, गायब हो जाती है. और कोई उनसे लड़ता नहीं, क्योंकि वो सबको मार देते हैं. अब वो इंसानों को चरा रहे हैं. अब क्यों है भाई, क्या चरा रहे हैं वो गेम. वो इंसानों को लेके जा रहे हैं ताबूतों में. एलियन ताबूत है तो थोड़ा ऐसा ऐसा बनाना पड़ा. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive men. Grab the Quarren and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. भाई इस गेम का म्यूजिक बड़ा अच्छा है. ये बनाया था ना महागुरु को. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the Collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The Collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega 4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the Collectors. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council of the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I will wait until the Reaper...
Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. अभी क्या है तो जो 8-10 लोग हैं जो हमारे साथ आएंगे, मतलब तो शेपर्ड बोलेगा कि मेरे पास अपनी टीम थी, तो बोलेगा सब अलग अलग हो गए हैं, 2 साल से तो मरा हुआ है, तो अलग अलग करियर्स हो गए सबके, और कुछ ऐसे मतलब मैंने सिलेक्ट किए एलियंस भी और इंसान भी जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तो उनके डॉसियाज देगा, वो भी ना बेसिकली मिशंस होते हैं कि आप मतलब उनके प्लेनेट पे जाओ, उन्हें मतलब कैसे लेके आना है उन्हें, फिर बदले में उनके लिए कोई लॉयल्टी मिशन करना पड़ेगा, जैसे किसी को किसी से बदला लेना है उसके पास चले जाओ, अगर वो आपने बदला ले लिया तो आप लॉयल हो जाएगा, उनका काम करके आना है। हाँ, नहीं भी करोगे तो एंड फाइट में आ जाएंगे वो, लेकिन वो ऐसा है कि एंड फाइट में ना जो जो लॉयल रहेगा आपके साथ वो बच जाएगा, जो लॉयल नहीं है तो मतलब वो उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ है, वो थर्ड गेम में नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए आप सारे मिशन करते हो, मतलब वो खत्म। You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. पिछली बार तो अभी बोलेगा कि एक बंदा तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, और वो तेरे को मतलब पसंद आएगा, क्योंकि दुनिया का पसंद माना जाता है गैलेक्सी का बेस्ट पायलट है। Our intelligence suggests he may know how to counteract the collector's paralyzing seeker swarms. Sounds good. What else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. Teams broken up, records sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. I saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. ये वाला नॉर्मेडी रेप्लिका बनाया है, सर्वरस ने बनाया, इसे दिया है कि तेरे को जो तेरे पास जो चाहिए तू बता, पैसा चाहिए क्या चाहिए तू हमारे लिए काम कर। ऐसा ऑफर मुझे भी नहीं मिलता, मुझे समझ नहीं आता सैलरी इतनी मिलती होगी इसको, अनलिमिटेड है, पूरे गैलेक्सी में मर्जी करे और क्या चाहिए, सोचो भाई गैलेक्सी में ट्रैवल करना, पेट्रोल का ही खर्चा इतना आ जाएगा कि मतलब क्या करेंगे, और बाकी चीज़ें छोड़ दो। तो अभी ऐसा है, लगभग आधे ऑप्शन मैंने सिलेक्ट नहीं किए हैं कि जो बातें बातें और आप ज्यादा डिटेल कर सकते हो, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो बन गई है। तो क्या लगता है मनु भैया, क्या रिएक्शन है गेम के लिए आपका? भाई मैं तो मोस्टली गेम खेलता हूँ एंजॉय करने के लिए, ये तो ये ऐसा है ना कि पूरी बुक है, पूरी फिल्म है, और ध्यान से भी जो डिसीजन लेने वो आपने लेना है, ओपन वर्ल्ड है ये, मतलब क्या करोगे आप क्या नहीं करोगे पूरा ध्यान से, यानी बुक पढ़नी पड़ेगी ताकि समझ आए, मतलब समझ आ जाए कि अगर आप अकेले बैठ कभी खेल बना हेडफोन लगा के तो शिप का इंट्रोडक्शन है, इसके बाद बंद कर दें। मेरे को मिलेगी ना, मैं तो सबसे पहले गोवा जाऊंगा, फिर बहामास। ये पंजाबियों का यही पंगा है, इन्हें स्पेसशिप दे दो कुछ दो, पहले गोवा जाना है, हिमाचल जाना है भाई। नहीं, हिमाचल नहीं ले जाएंगे, पहले गोवा फिर बहामास जाएंगे। Logical place to start. Who are you? I'm Unity's artificial intelligence.
The crew like to refer to me as Edie. अपने जमाने की बहुत फ्यूचरिस्टिक गेम थी, आजकल तो हर फिल्म में दिखाते हैं ये AI लगा ही होता है। बिल्कुल है, मतलब वैसे कुछ बनाया है। थर्ड में तो क्या होगा, रोबोट बॉडी में आ जाएगी बड़ी खूबसूरत। Helms Bernard happy when someone takes control of the ship away from them, especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Now that we've got that sorted out, let's move on to these dossiers. Final preparations for takeover complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. तो ये गैलेक्सी मैप है, इस पर आप जाओ और कौन से प्लैनेट पे पहले जाना है, कब क्या करना है, वो आपके ऊपर है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये हमारे प्राइवेट टर्मिनल है, यानी जहाँ पे अपनी मेल्स देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, गन्स को क्या करना है, लाइक अपग्रेड करना है या फिर मतलब गन चेंज करनी है, कौन सी जगह पर कौन सी गन रखनी है। एलिवेटर है चारों पाँचों फ्लोर में, शिप के ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। ये आपका पर्सनल कंपार्टमेंट है जिसपे आप अपने ऊपर कर सकते हो, और कैसे कपड़े पहने क्या है ये भी है ना। तो मैं ओमनी टूल को कर सकते हो, टेक लैब है, ठीक है। काफ़ी सारे अपडेट्स हैं इसमें, मतलब भी जितना आप सोच सकते हो ना उतना कर लो। हल्का सा ये दिखाता हूँ, जैसे गैलेक्सी मैप है, ये इतने सारे अभी मिशन हैं हमारे पास। ये है हमारी मास रिले, यहाँ से लेके ये सारी मास रिलेज हैं पूरी गैलेक्सी में, कौन कौन सी जगह पे जाना है, ये कौन कौन सा वहाँ पे क्या मिशन है अभी हमारे, वो दिखा रहा है। जैसे जैसे मिशन करते रहेंगे और आगे बढ़ता रहेगा। और ये सेंटर है गोवा, गोवा चलो गोवा। ठीक है, तो आज अभी इतना ही रखते हैं वीडियो, ठीक है, बहुत लंबा हो गया। तो मौका मिले तो ज़रूर खेलना ये गेम एक बार, मास इफेक्ट टू। कई दिन लग जाते हैं गेम खत्म करने में, पर एक दिन एक जर्नी है पूरी इसमें। और मतलब कैसे कैसे कैरेक्टर, ऐसा नहीं कि एलियन है तो वो मतलब कुछ भी हरकतें ही करेंगे, अच्छे एलियंस हैं, बुरे एलियंस हैं, पढ़े लिखे एलियंस हैं, बेवकूफ़ एलियंस हैं, वो सब दिखाया है इसमें। ये मेरे लैपटॉप पे चल जाएगी, अभी इस वाले में चल जाएगी, हाँ खेल ली लेंगे नए वाले पे, नए वाले पे तो चला ही लेना। चल मैं लेके आता हूँ SSD, लेके आता हूँ SSD, ले आओ गेम दे देता हूँ। ये गेम तो खेलो भाई, और इसमें ऐसा ना कि जितना पैरागॉन होगा वो कैनन एंडिंग होती है, पैरागॉन मतलब जो पॉजिटिव एंडिंग है। तो अगर आप नेगेटिव होते रहोगे, किसी का लॉयल्टी मिशन नहीं करोगे, 8-10 बंदे ही मर जाएंगे हमारे गेम में एंड में, तो थर्ड पार्ट में क्या होगा कि फिर वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो आएंगे ही नहीं, है ना। मैंने जब पहली बार खेली थी मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें, मैं अपने हिसाब से खेला था, उसमें गैरस मर जाता है एंड में, जो हमारा सेकेंड हीरो है, ठीक है। तो थर्ड गेम वैसे ही चलाई, और उसने पूछा मास इफेक्ट 2 से लेना डाटा, तो मैं क्या ठीक है, बड़ी कमाल की बात है, बहुत सालों पुरानी बात है। तो उसमें मिशन आया, तो मैं क्या यार मास इफेक्ट 3 मैंने खेली थी एक्सबॉक्स पे, तो मैं ये मिशन मुझे याद है, वो जो उसके प्लेनेट पे होता है पैलेवन पे, उसके मून पे, तो मैं वहाँ पे तो गैरस होता है उनसे ये बात बोलता है, लेकिन मेरे कंप्यूटर में गैरस है नहीं। तब मुझे समझ आया कि भाई गैरस तो मर गया था, मैंने मरवा डाला उसे बेचारे। अब थर्ड गेम में क्या खास आएगा, फिर उसका कोई कमांडर पता नहीं कौन बात कर रहा होता है मुझसे। तो इतनी डिटेलिंग है भाई, फर्स्ट गेम में आप जो करोगे वो सेकंड में आगे कंटिन्यू होगा, तो सेकंड में करोगे तो वो थर्ड में आगे कंटिन्यू होगा। अबे क्या मतलब क्या यूनिवर्स बनाया होगा, क्या क्या कोडिंग की होगी, जबरदस्त यार। और गुड लुकिंग एक्टर्स हैं यार, ऐसा नहीं कि मतलब मेरांडा कितनी खूबसूरत है, और बंदा भी हमारा शेपर्ड कितना हैंडसम लग रहा है। तो जो बेसिक फिजिक्स है और जो AI है इस गेम का, वो गुड है, बहुत बहुत बढ़िया है। और साइंस फिक्शन गेम में इतनी सारी चीज़ें करना ना, स्टार वॉर्स की गेम्स आती है, अभी रिसेंटली बैटलफ्रंट 2 मैंने अभी खेली, तो ग्राफिक वाइज तो भाई बहुत अच्छी, नो डाउट। लेकिन उसमें क्या मतलब ना, बहुत छोटी गेम है, 4 घंटे में 5 घंटे में गेम खत्म हो गई, बताओ। एक तो मेन जो हमारी हीरोइन है उसकी स्टोरी है कि विलन होती है, बाद में उसमें अच्छाई जाग जाती है, वो सब हो रही है, लेकिन बीच में 3 मिशन आते हैं, क्योंकि हमारे 3 ही पुराने हीरो फेमस हैं, लुक स्काईवॉकर हो गया, हान सोलो हो गया, और वो प्रिंसेस लिया होगी, और एक एक मिशन उनका आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। वो उन्हीं 3 मिशन में पैसे पूरे किए, बाकी गेम तो मेरे को बकवास ही लगे। जो लोग मल्टीप्लेयर करते हैं, अलग अलग प्लैनेट पे जाके बर्फ में रेत में खेलना है, 10-10, 40-40 लोग एक साथ खेल रहे टीम में हेडफोन लगा के, उधर मतलब प्रॉपर वॉर वाला सिनेरियो, स्टार वॉर्स हो रही ना सारी, उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो मेरे जैसा बंदा है जो स्टोरी को एंजॉय करता है, उसके लिए बकवास हो गया। तो भाई साहब वो जो पैसे थे फिर वो खत्म हो गए,
वही 2-3 हज़ार रुपये का कुछ और आया था है ना। हाँ वो तो है। चलो वही बात नहीं, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें तो भाई इसीलिए हर एक गेम पे ना थोड़ा ट्रायल होना चाहिए। पहले आते थे डेमो, आजकल डेमो आते नहीं, आजकल डेमो नहीं आते, बात खत्म है ना। चलो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। ठीक है, ऐसे लंबे लंबे वीडियोज ही आएंगे, क्योंकि जो रिव्यू वीडियोज है वो थोड़े छोटे होंगे, लेकिन अगर गेम प्ले के साथ वो तो लंबे होंगे। अभी देखो सिर्फ हमने 2 ही मिशन किए, वो भी इंट्रो वाले है ना। अभी बहुत बड़े बड़े मिशन है, वो सब है देखना क्या, वो भी अपलोड करेंगे। लास्ट तक किसने देखी कमेंट करो, लास्ट तक कौन ही देखा है। चलो ठीक है, देखेगा है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, हम गोवा जाके आते हैं।